तेव्हा राम मंदिर परिसरातली ही दृश्य पाहतोय। मंदिर बांधणीमध्ये ज्यांचं ज्यांचं योगदान आहे अशा सर्वांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पुष्पवृष्टी केली जाते। एक त्यांच्याप्रती हा कृतज्ञतेचा भाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून हा व्यक्त केला जातोय। हे सगळे श्रमवीर आहेत आणि त्यांच्याप्रती एक कृतज्ञतेची भावना ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्या जे मंदिर बांधणीमध्ये जे कर्मचारी आहेत, जे इतरही कारागीर आहेत, त्यांच्यावर मोदींनी पुष्पवृष्टी केलेली आहे। राम मंदिर परिसरामध्ये ही संपूर्ण श्रमवीरांवर पुष्पवृष्टी करण्यात आली। अधी काहीच वेळापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जटायू, ये देखिए, ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नीम के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी श्रम देवता है। हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है ये सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त है। इसीलिए मेहनत पर यह राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है आपने निश्चित तौर पर कहा। और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है ये अपने आप पे बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला। और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक है वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा। तो वो महादान है। जी जी, एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं ये भी पूजनीय। मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।